सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो जियांटा था वो लो फैंग के ऑलरेडी घर तक पहुंच चुका था और वो लो फैंग से माफ़ी मांगना चाहता था। वहीं हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था कि जियांटा को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था लो फैमिली के अंदर। उसके सामने काफ़ी ज़्यादा ठंडी चाय सर्व कर दी गई थी और साथ ही साथ उसको एक नॉर्मल और एक एवरेज से रूम के अंदर बैठाया गया था जहाँ पर नॉर्मल एम्प्रेयर्स को बैठाया जाता है, बल्कि जो जियांटा था वो एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और पैनिकल लेवल का एम्प्रेयर था। तभी वहाँ पे हमें फाइनली एक पर्सन की एंट्री देखने के लिए मिलती है और जो पर्सन था ये और कोई नहीं, ये लो फैंग था। और जैसे ही जो जियांटा होता है वो लो फैंग को देखता है वो तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो स्माइल करने लग जाता है और इसी के साथ वो लो फैंग को वेलकम करता है और लो फैंग को बो करता है। और इसी के बाद जो लो फैंग होता है वो ज़्यादा टाइम लो इस पर्सन की तरफ ना देखते हुए सीधा जाके अपने चेयर के ऊपर जाके बैठ जाता है। इसी के बाद ये जो जियांटा होता है वो बोलता है, योर मैजेस्टी लो फैंग, अभी तक जो भी होल इंसिडेंट हुआ मैं समझ सकता हूँ कि इसके अंदर पूरी की पूरी गलती मेरी लूसी फैमिली की है और मैं यहाँ पे आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। तभी लो फैंग इस पर्सन की तरफ देखता है और बोलता है, क्या माफ़ी? तुम्हारे जैसे वॉरियर अगर मेरे को आउटर रीजन के अंदर मिलते तो शायद से मैं तुम जैसे वॉरियर्स को बस अपने एक ही अटैक से सेटल डाउन कर सकता था। जियांटा को ऑलरेडी पता था कि पिछले बार जो लो फैंग था वो जब वो नॉर्मल सेक्टर लॉर्ड लेवल के ऊपर ही था तभी 6,000 साल पहले वो ऑलरेडी एम्परर लिमिट लेवल के एक वॉरियर को अपना स्लेव बना चुका था और अभी 6,000 साल बीत चुके हैं और इसके अंदर जो लो फैंग की पावर है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी होगी। इवन जब लो फैंग यहाँ पर आया था तो उसकी जो विल पावर और कॉन्शियसनेस थी उसके कारण उसके अंदर से एक अलग सी एनर्जी का ऑरा निकल रहा था, जिसको फील करते ही ये जो पर्सन था ये पूरी तरीके से शॉक हो गया था। इवन जियांटा की रूह कांप चुकी थी, इसलिए वो लो फैंग के साथ बिल्कुल भी भिड़ना नहीं चाहता था। और अभी जो लो फैंग का दबदबा है वो लगभग लगभग 7 ब्लेड और डायलॉन्ग उन सब लोगों के बराबर का हो चुका है और वो दिन दूर नहीं कि जो लो फैंग है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। और वहीं पर ये जो जियांटा है ये वहाँ पर स्टैंड भी नहीं करता दूर दूर तक, तो इसकी औकात ही क्या है। जियांटा होता है वो लो फैंग की तरफ देखता है और बोलता है, योर मैजेस्टी लो फैंग, मैं पर्सनली यहाँ पे बस आपके माफ़ी के लिए आया हूँ, लेकिन माफ़ी से पहले मैं आपको कोई चीज़ें बताना चाहूँगा। इसी के बाद लो फैंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है, चल चल ठीक है भाग जल्दी से। इसी के बाद ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ और मुँह लटकाते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि मैंने आपकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है और जब आप ट्रेनिंग के अंदर थे तो सब लोगों को लगा था कि आप ऑलरेडी मर चुके हो और साथ ही साथ उस टाइम मैं भी अपनी ट्रेनिंग के अंदर था और जो मेरी फैमिली है उसको मेरे जो बड़े बेटे हैं उसके द्वारा संभाली जा रही थी और वही इन सारे मैटर्स को भी हैंडल करता था। तो फाइनली हमारे और आपके फैमिली के बीच में कुछ छोटे मोटे मसले हुए थे जिसके कारण जो मेरा बेटा था वो थोड़ा बहुत केयरलेस हो गया था, जिसके वजह से उसने आपकी फैमिली को ऑफेंड करने की कोशिश की। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, उन सारी चीज़ों के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था और मैं तब आउटर रीजन के अंदर था और ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन अभी जब मुझे पता चला तो मैंने अपने फैमिली को काफ़ी ज़्यादा डांटा और उनको नेगोशिएट कर दिया और अब से मैं जानता हूँ कि इन सारी चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है, तो आप जो भी सजा दें उन सारी चीज़ों के लिए मैं मंजूर हूँ, आप मुझे माफ़ कर दोगे, बस मैं यही चाहता हूँ। क्योंकि जैसे ही मुझे ये सब पता चला कि जो मेरा बेटा है उसने आपकी फैमिली के साथ ऐसा कुछ किया तो मुझे पता था कि इन सारी चीज़ों के लिए एक्चुअली आपकी जो पूरी की पूरी लो फैमिली है वो हमारी लूसी फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए मैं इमिडिएटली वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए आया और यहाँ पे आज आपके पास सबसे पहले भागा भागा आया ताकि मैं आपसे माफ़ी मांग सकूँ। लो फैंग जो था वो बस आराम से बैठते हुए इन सारी चीज़ों को सुन रहा था। तभी लो फैंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुम्हारा हो गया अभी मैं बोलूँ? इसी के बाद जो जियांटा था वो समझ चुका था कि लो फैंग ने अभी तक उसको माफ़ नहीं किया, इसलिए वो बोलता है कि योर मैजेस्टी मैं समझ सकता हूँ कि मैं अपने मैनेजमेंट और अपनी फैमिली को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं रहा जिसके कारण आज ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं अभी अभी जस्ट एम्परर बना हूँ और मेरे पास उतने गट्स नहीं है कि मैं आपको ऑफेंड कर सकूँ, मैं होप करता हूँ कि आप मुझे माफ़ करोगे। इसी के साथ ही जो जियांटा होता है वो लो फैंग को ये भी बताता है कि साथ ही साथ मुझे पता है कि जो मेरी फैमिली है वो इतनी ज़्यादा पागल नहीं हो सकती कि वो आपकी फैमिली को इस तरीके से ऑफेंड करे, तो मुझे जहाँ तक ये लगता है क्योंकि इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने उन लोगों को इंस्ट्रक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे जो बाकी अदर रिसेस के लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि आपके बारे में काफ़ी टाइम से खोज कर और आपको ढूंढ रहे थे, तो मेरे जैसा छोटा सा एम्प्रॉयर की तो औकात ही नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हीं सब लोगों ने मेरे फैमिली को इस तरीके से ट्रीट किया होगा या फिर मेरे फैमिली का ब्रेन वॉश किया होगा ताकि वो आपकी फैमिली के साथ ऐसा कुछ करे।
लेकिन चाहे बात कुछ भी हो, इसके अंदर मेरी फैमिली आती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी चाहिए, इसलिए मैं अपनी गलती मानता हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए आया। इसी के बाद वो अपने हाथों को फ्लिप करता है और इसी के साथ उसके सामने एक आइटम्स की लिस्ट प्रेजेंट हो जाती है स्टोन टेबल के ऊपर, और ये सारी चीज़ें वो लू फेंग को एज अ गिफ्ट के तौर पर देना चाहता था। इसी के बाद जो लू फेंग होता है वो उस लिस्ट की तरफ देखता है। वैसे तो उस लिस्ट के अंदर काफ़ी सारे आइटम थे और ये सारे आइटम्स काफ़ी थे इन सारे मैटर को ख़त्म करने के लिए, लेकिन फिर भी जो लियो फैंग होता है इन सारे आइटम्स को देखने के बाद एक बार हल्के से खांसता है और इसी के बाद उसकी तरफ देखता है, क्या तुम्हारा बोल के हो गया? इसी के बाद जो जो पर्सन होता है वो लियो फैंग की तरफ बोलता है, हाँ आप कह सकते हो, आपको जो भी कहना है खुल के कह सकते हो। तभी जो लियो फैंग होता है वो कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी लूसी फैमिली की, और मुझे ना ही बाकी किसी से परवाह है, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारी लूसी फैमिली ने मेरी फैमिली को ऑफेंड किया है, और इन सारी चीज़ों के लिए अभी तुम मुझे ब्लेम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और तुम्हारी फैमिली को ज़िंदा रखना या नहीं रखना वो टोटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ये ऑलवेज़ हर पर्सन को एक ज़िंदा रहने का चांस देता है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ और मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें। इसी के साथ जो लो फेंग होता है वो अपने हाथों को टॉस करता है, उसके हाथों के अंदर एक लिस्ट आ जाती है जो वो टेबल पे रख देता है। जैसे ही जियांटा जो होता है वो पहले ही लो फेंग के वर्ड्स को सुन के अब पहले उसकी फटके हजार हो चुकी थी, और जब वो उस लिस्ट की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। लू फेंग इस पर्सन की तरफ देखता और बोलता है, क्या तुमने उस लिस्ट को पूरी तरीके से अच्छे से देख लिया? तभी जो जियांटा की आंखें होती है वो बड़ी बड़ी होती है और वो लू फेंग को ही घूर रहा होता है। जो लू फेंग था वो काफ़ी ज़्यादा उसके सामने एक छोटे बच्चे की तरह दिख रहा था, क्योंकि ये जो जियांटा था ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज था साइज़ के अंदर, और वही लू फेंग उसके सामने काफ़ी ज़्यादा छोटा दिख रहा था। लेकिन उसके बाद भी जो लू फेंग की स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, और जियांटा जैसे लोगों को तो वो अपने एक ही हाथ से पेल सकता था। और ये जो लिस्ट थी जो कि लियो फेंग ने इस पर्सन को दी थी, इस लिस्ट के अंदर कोई ट्रेजर नहीं लिखा हुआ था, बल्कि इसके अंदर थ्री सिंपल रिक्वेस्ट लिखी हुई थी। जो फर्स्ट रिक्वेस्ट थी वो थी कि लूसी फैमिली की बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट्स हुए हैं वो सारे 99% एसेट्स को वो लियो फैमिली के अंदर ट्रांसफ़र कर ले, वो बस अपने लिए 1% एसेट रख सकता है। मतलब पूरी की पूरी लियो फैमिली को लगभग लगभग मतलब लियो फैमिली के अंदर जितने भी एसेट्स हैं, फिर जितने भी फ़ायदे या फिर पिछले सालों के अंदर जो भी उन्हें कमाई की है वो पूरी की पूरी उन्हें लियो फैमिली के पास ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, वो बस अपने लिए 1% रख सकते हैं। वही जो सेकंड रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि अभी जो भी मैटर हुआ है और इस मैटर के अंदर जिसकी भी गलती थी उन सारे लोगों को लो फैमिली के अंदर भेज दिया जाए, जो लो फैमिली है वो पर्सनली उन लोगों से डील करेगी। और जो थर्ड रिक्वेस्ट थी वो थी कि इस पर्सन को एज अ कंपेंसेशन के रूप के अंदर लगभग लगभग 1 बिलियन मिक्सड एलिमेंट कंपेंसेशन के रूप में लो फैंग को देने पड़ेंगे। तभी जो लो फेंग होता है वो हंसता और बोलता है कि इवन तुम्हारी जो फैमिली है वो पूरी तरीके से हार जाती है, लेकिन इसके बाद भी 99% एसेट देने के बाद भी मैंने तुम्हारे लिए 1% एसेट रखे है, जिसके थ्रू तुम आराम से अपनी फैमिली का गुजारा कर सकते हो और तुम लगभग लगभग सर्वाइव तो कर ही लोगे इतने में। और जिन लोगों ने भी मेरे फैमिली के अंदर उंगली करने की कोशिश की वो लोग तो मुझे चाहिए ही चाहिए, यही चीज़ तुम्हारी फैमिली के लिए भी बेनिफिशियल होगी। और रही बात उस 1 बिलियन मिक्स एलिमेंट की, तो तुम्हारे जैसा एक लो एम्परर लेवल का वॉरियर इतना तो अफोर्ड कर ही सकता है, तो मेरी जो तीनों रिक्वेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी सी है, इवन मैं तुम्हें ज़्यादा इतना फोर्स भी नहीं कर रहा, तो अभी तुम्हारा वक्त आ चुका है कि तुम्हें अपनी काइंडनेस दिखानी चाहिए मुझे। जो जियांटा था वो काफ़ी ज़्यादा शौक था, वो बोल रहा था कि इस बंदे ने मुझे पूरी तरीके से नंगा कर दिया, और उसके बाद भी बोलता है कि जो उसकी रिक्वेस्ट है वो पूरी तरीके से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी है। ये सारी चीज़ें सुन के जो जियांटा का था वो उसको लगभग लगभग रोना ही आ चुका था, क्योंकि लियो फेंग ने उसका लगभग लगभग पूरा का पूरा 99% फैमिली बिजनेस मांग लिया था, और उसके अलावा इवन उसकी फैमिली के उन मेंबर्स को भी जिन्होंने भी यहाँ पे उंगली की है, और 1 मिलियन मिक्स एलिमेंट तो अलग ही था। जियांटा लियो फेंग की तरफ देखता और बोलता है, योर मैजेस्टी लियो फेंग, मैं बस एक छोटा सा एम्परर हूँ और मेरे साथ काफ़ी सारे पैनिकल ऑफिशियल्स है, और साथ ही साथ मेरे सारे के सारे पैनिकल ऑफिशियल्स की एंटायर स्ट्रेंथ और वेल्थ को मिलाने के बाद भी मैं 100 मिलियन मिक्सड एलिमेंट कहाँ से लेके आऊँगा करके, इतना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है करके, इवन मैं अपनी 2 किडनियों को भी बेच दूंगा उसके बाद भी मैं इतना ट्रेजर कहाँ से लेके आऊँगा, लेकिन फिर भी आपने जो कुछ भी इस लिस्ट के अंदर मेंशन किए मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकूँ। तभी लियो फेंग उठ के खड़ा हो जाता और उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में बोलता है, याद रखना जो 3 रिक्वायरमेंट्स मैंने उस लिस्ट के अंदर मेंशन किए वो सारी अगर तुमने पूरी कर दी तो मैं समझूंगा कि ये जो मैटर है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, लेकिन अगर इन रिक्वायरमेंट्स को तुम कंप्लीट नहीं करते तो फिर तुम फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाओ। जो जियांटा था इस वक्त पूरे तरीके से अपने घुटनों के ऊपर आ चुका था और पूरी तरीके से पसीना पसीना हो चुका था, उसकी पूरी तरीके से फटके हजार हो चुकी थी। तभी वो लियो फेंग की तरफ देखता और बोलता है, ठीक है मैं
मैं कर दूंगा। तभी जो लो फैंग होता है वो उसकी तरफ देखता है, वो बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें लगभग लगभग 7 दिनों का टाइम देता हूँ कि तुम 1 बिलियन मिक्स एलिमेंट की जो रकम है वो इकट्ठा कर सको। लेकिन रही बात उन एसेट्स की, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आज के आज आधे दिन के अंदर अंदर तुम्हारी फैमिली के जितने भी एसेट्स हैं वो सारी लो फैमिली के अंदर आ जाने चाहिए। तभी वो जो पर्सन होता है वो हाँ बोलता है और इसके बाद उठ के खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़ते हुए चला जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बाकी रह गया था अभी। और वो साथ ही साथ लो फैंग के साथ फालतू की बहस भी नहीं कर सकता था, फैंग उसको जाते हुए देख सकता था और साथ ही साथ उसके फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल भी थी। और वैसे भी वो इस पर्सन को जानता था कि एक कोई नॉर्मल एम्परर तो नहीं है, तो इसके पास जो वेल्थ होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो लगभग लगभग 1 मिलियन एलिमेंट की वेल्थ तो कम ही होगी इसके लिए, मतलब कम तो नहीं होगी ज़्यादा ही होगी, लेकिन स्टिल उसके बाद भी उस चीज़ों को करने के बाद भी उसके पास काफ़ी सारे ट्रेजर होंगे। इवन ये जो जियांटा है ये किसी नाइट का डिसाइपल है, तो इतना तो बनता ही है इससे। और वैसे भी मैंने इसके लिए कुछ ज़्यादा मुसीबतें पैदा नहीं की, इतना ये कर देता है तो ठीक ही है, वरना मैं तो इसकी किडनी फेफड़े गुर्दे सब मांग लेता। वही हम लोगों को वर्चुअल यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गॉड मिस कॉन्टिनेंट होता है और लूसी फैमिली का लग्जरियस विला होता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था, वहाँ पे जो राजा की पोजीशन की सीट थी वहाँ पे जियांटा अकेला बैठा हुआ था और उसी के नीचे उसके कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो जियांटा था वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था कि हज़ारों सालों पहले जो उसने गलती की थी कुछ छोटी सी चीज़ों के लालच के अंदर, फाइनली उन सारी चीज़ों के लिए अभी उसको इतने तरीके से ये करना पड़ रहा है कि जो वेल्थ के लिए उसने ये सारी चीज़ें की थी उसके लिए लगभग लगभग उसका 10 से 15 गुना उसको उसका चुकाना पड़ रहा है। और साथ ही साथ लो फैंग ने तो उसको पूरी तरीके से नंगा कर दिया, मतलब उसको जिंदा छोड़ दिया, लेकिन बोलते हैं ना उसकी इज्जत शोहरत दौलत सब छीन ली और उसको बस रोड पर ला के छोड़ दिया है। एक्चुअली गाइस इनकी जो लूसी फैमिली थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कि जो लो फैंग है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम से इस यूनिवर्स से गायब है और साथ ही साथ उसका वर्चुअल यूनिवर्स से भी कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ था, और लगभग लगभग इस बात को 6000 साल हो चुके थे। और इसी के साथ जो लो फैमिली थी उसका एक ड्रॉप डाउन पॉइंट आ चुका था और वो धीरे धीरे करके नीचे गिरती जा रही थी। और इस चीज़ इसका फ़ायदा उठाते हुए जो काफ़ी सारे पावरफुल वॉरियर्स थे वो लोग ये जानना चाहते थे कि जो लो फैंग है क्या वो सच्ची में पूरी तरीके से मर चुका है या फिर वो मारा जा चुका है। तो इसीलिए वो लो फैमिली को जानबूझ के परेशान करना चाहते थे और लोग देखना चाहते थे कि आखिर जो लो फैंग है वो कब तक छुपके रहेगा। इसलिए उन्होंने लूसी फैमिली को इन सारी चीज़ों के लिए एक अपना चारा बनाया था और उन्होंने लूसी फैमिली को थोड़ी बहुत रिश्वत देके बोला था कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें बस लो फैमिली के लिए थोड़ी बहुत मुसीबत बढ़ानी है। और तब ये जो जियांटा है उसने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लो फैंग आ जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे मार ही देगा और वो वापस से जन्म ले लेगा, कौन सी ज़्यादा बड़ी बात है। लेकिन इस वक्त जो लो फैंग है उसने लगभग लगभग उसको पूरी तरीके से नंगा कर दिया था और 100 मिलियन एलिमेंट्स की जो चीज़ थी बात थी वो तो पूरी तरीके से अलग ही थी। इस वक्त इसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वही जब उसकी फैमिली के बाकी मेम्बर्स ये सारी चीज़ों को सुनते तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते, उनके पूरी तरीके से होश उड़ जाते हैं, सोचते ये क्या, ये सच्ची में पागल हो चुका है। तभी वो सब लोग उसके बोलते हैं कि फैमिली लीडर क्या आप उस लो फैंग की सच्ची में इन सारी चीज़ों को पूरा करोगे, क्या आप सच्ची में। तभी जो जियांटा होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो बोलता है तुम सब लोग अपना मुँह बंद रखो, तुम सब लोग तब कहा थी जब मैं ये सारा काम कर रहा था तब तो तुम में से किसी ने भी मुंह खोल के नहीं बोला था कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है इन सारी चीज़ों के लिए, और अभी तुम सबके सब अपना ज्ञान चोदने के लिए आ गए। सॉरी गाइस भावनाओं में थोड़ा सा बह गया। ये जो जियांटा होता है वो बाकी लोगों को बोलता है कि अभी सुनो 99% जितना भी हमारा फैमिली असेट है वो सारा अभी लो फैमिली के अंदर ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑर्गेनाइज़ करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाओ यहाँ पे ताकि ये जो काम है ये जल्दी से जल्दी हो सके, हमें आधे दिन से पहले पहले ये सारे काम करना है। नीचे पूरी तरीके से साइलेंट हो चुकी थी, सबके दिल जोरों से धड़क रहे थे। तभी ये काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चलता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, और इसी के साथ जो बाकी के लोग होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं भागते भागते। वही गाइस हमें कुछ मिस्टीरियस वॉरियर देखने के लिए मिलते हैं जो कि छुपके इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रख रहे थे। जब उनको पता चलता है कि जो लो फैंग है वो फाइनली अपियर हो चुका है और लो फैंग ने अपियर होते ही जियांटा को पूरी तरीके से नंगा कर दिया है तो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। वो सोचता है कि जो लो फैंग है ये सच्ची में काफ़ी ज़्यादा कमाल का इंसान है, अगर शायद से लो फैंग की जगह पर मैं होता तो मैं डायरेक्टली इस जियांटा को कोई भी जगह पर ही ख़त्म कर देता। लेकिन लो फैंग ने तो इससे भी ज़्यादा बड़ी चाल चली, उसने तो उसको पूरी तरीके से नंगा करके छोड़ दिया है और इससे ज़्यादा बुरी चीज़ और क्या ही हो सकती थी इस पर्सन के लिए।
और गाइज रही बात जियांटा के टीचर की जो कि गोल्ड मिस नाइट था, उसका तो गाइज आप बात ही ना करो तो ही अच्छा होगा, क्योंकि गाइज ये जितने भी टीचर होते हैं ना, तो ये कभी भी अपने डिसाइपल्स के छोटे मोटे मैटर्स के अंदर कभी भी नहीं आते। वो लोग सब कहते हैं कि तुम अपने मैटर्स खुद डिसाइड कर लो, क्योंकि ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के थे। और एक नाइट लेवल का वॉरियर इतने छोटे मोटे एम्परर लेवल के वॉरियर्स के मैटर के अंदर क्या ही बोलता। इसी के साथ ये जो न्यूज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल जाती है, और लगभग लगभग जितनी भी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ थी उन सब लोगों को ये सारी चीज़ें पता चल चुकी थी। उन सबको ये पता चल चुका था कि जो लो फैमिली है वो कोई ऐसी वैसी फैमिली नहीं है जिससे हर कोई पंगा ले सके, और अगर कोई इससे पंगा ले तो लो फैमिली काफ़ी ज़्यादा भयानक हो सकती है उन लोगों के लिए। तभी हमें लो फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। तभी जो लो फैंग के बच्चे होते हैं उसे बोलते हैं कि डैड आपका दिमाग तो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा चलता है, मैं हम लोग सच्ची में आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, मे बी मैं फ्यूचर के अंदर आपकी तरह बन सकूँ। वही एक लार्ज टेबल हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोग बैठे थे, और यहाँ पे लगभग लगभग पूरी की पूरी लो फैमिली गैदर हुई थी, इंक्लूडिंग लो हवा और उसकी वाइफ और उसके बच्चे। जो लो हुआ था उसके करंटली तो एक ही वाइफ थे, लेकिन स्टिल उसके 9 बच्चे थे। आफ्टरऑल इन 6000 सालों के अंदर इस बंदे ने कुछ भी नहीं किया था, ये अपने भाई की तरफ पूरा यूनिवर्स नहीं घूमता था, ये बस अपने रूम के अंदर बैठ के बच्चे पैदा करते रहता था, इसके वजह से इसके 9 बच्चे हो गए थे। लो फैंग होता है वो अपने हाथों के अंदर वाइन का ग्लास पकड़ लेता है और उठ के खड़ा हो जाता है और हंसते हुए बोलता है, हुआ मैंने सच्ची में तुम्हें कुछ सालों से नहीं देखा, और इन कुछ सालों के अंदर ऑलरेडी तुम्हारे इतने सारे बच्चे हो गए, सच्ची में ऐसा लगता है कि तुम अपनी खुद की एक जनरेशन क्रिएट कर दोगे। लो फैंग का ये जोक सुन के पूरी की पूरी लो फैमिली काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। इवन जो लो हुआ था वो भी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। तभी जो लो फैंग होता है वो जूजेन की तरफ देखता है, तो लो फैंग थोड़ा सा स्टन रह गया था। जैसे हम लोग को देखने के लिए मिल सकता था कि जो जूजेन थी उसके बस 2 ही बच्चे थे, और क्योंकि गाइस जो जूजेन थी वो काफ़ी ज़्यादा इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, भले उसकी जो फिजिक थी इन 6000 सालों में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई थी। और जो लो फैंग था वो एक सेक्टर लॉर्ड लेवल का पर्सन था, और एक वॉरियर जितना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता जाता है उतना ही उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जाता है कि वो किसी बेबी को बॉर्न करे। इसी तरह गाइस हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था कि जो जूजेन की फिजिक थी वो कुछ इस तरीके से हो चुकी थी कि शायद से वो और बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। तो आप भूल जाओ कि लो फैंग का हम लोगों को कोई दूसरा बच्चा देखने के लिए मिलेगा फ्यूचर के अंदर। तो उसके पास जो 2 बच्चे थे वो 2 हमारे 2, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे अपने लाइफ के अंदर। अभी जो जूजेन होती है वो लो फैंग की तरफ देखती है और बोलती है कि हमारी फैमिली के अंदर कुछ और स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स की ज़रूरत है जो कि हमारी फैमिली को सिक्योर कर सके, इसलिए मैं कुछ प्लैनेट्स और कुछ अनडाइंग प्लैनेट्स के प्रिपेयर कर रही हूँ। तभी जो जूजेन होती है वो उसकी तरफ देखते हुए उसको हर एक चीज़ समझाती है कि हम आखिर तुम्हारे लिए कितना टाइम वेट करते, और जो तुमने हमारे लिए 50 बिलियन मिक्स एलिमेंट छोड़े थे हम उन सारी चीज़ों से यही सारा चीज़ें करने वाले थे, और करंटली हम उनका जो छोटा मोटा पोर्शन था उसके थ्रू करंटली जो सेक्टर लॉर्ड लेवल के जो 9 क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन्स है और स्टार ईटिंग प्लांट्स है इन सब लोगों को नर्चर करना चाहते थे और उनको नर्चर करके अनडाइंग लेवल के ऊपर पहुँचाना चाहते थे। अगर ऐसा हो जाता तो हमारे पास एक ऑफिशियल लेवल की स्ट्रेंथ होती। लो फैंग ये सारी चीज़ें सुन के काफ़ी ज़्यादा स्टन रह जाता है। इवन वो इतने सालों से यहाँ तक नहीं था, लेकिन जूजेन के दिमाग को सुन के वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक था कि उसकी बीवी भी उसकी तरह काफ़ी ज़्यादा चालाक है। तभी जो लो फैंग होता है वो जूजेन की तरफ देखता है और हंसने लग जाता है और हाथ के अंदर मुंडी हिला देता है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं अपनी फैमिली की ज़्यादा टाइम तक सेफ्टी नहीं कर पाया, और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया कि मैं आउटर रीजन के अंदर भी नहीं गया, तो मुझे जल्दी से जल्दी अभी आउटर रीजन भी जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाके जो छोटे मोटे मैटर्स है वो सारे सेटल करने पड़ेंगे आउटर रीजन वॉल फील्ड के अंदर। तभी जो जूजेन होती है वो लो फैंग की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम जा सकते हो, तुम्हारा जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लो फैंग स्माइल कर लेता है। जो लो फैंग होता है वो लगभग लगभग 3 दिन का टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता है, और लगभग लगभग रही बात टियान चैन की, तो टियान चैन गाइस जिन लोगों को नहीं पता टियान चैन कौन है, तो गाइस टियान चैन वही पर्सन है जिसने स्टार टावर के अंदर लो फैंग को मारने की कोशिश की थी, और ये पर्सन ऑलरेडी लो फैंग के डेड लिस्ट के अंदर आ चुका है, मतलब वांटेड लिस्ट के अंदर, और लो फैंग इस पर्सन को तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और रही बात 6000 सालों की, तो 6000 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो 3 दिन का और वेट करके वो थोड़ा बहुत अगर फैमिली के साथ स्पेंड कर देता है तो ये 3 दिन उसके लिए कुछ भी नहीं थे। इसके बाद 3 दिन के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लो फैंग होता है वो अपने वर्चुअल नेटवर्क से आता है, और इसी के बाद हम लोग को एक छोटा सा किस देखने के लिए मिलता है लो फैंग और जूजेन के बीच में, जिसके बाद वो वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क को छोड़ देता है, और इसी के बाद हम लोगों को एक अलग जगह देखने के लिए मिलती है। लो फैंग हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो एक पैलेस के अंदर होता है, और ये आउटर रीजन का स्टार टावर का पैलेस होता है। उसी के बाद जो लो फैंग होता है वो वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर एक नेटवर्क भेजता है, मतलब एक मैसेज भेजता है, वो भी हैवी एरो को, ताकि जो हैवी एरो है वो उसकी लोकेशन को सेंस कर सके और जल्दी से
गॉड कंट्री ओवर टेलीपोर्टेशन मेथड के मदद से उसके तरफ जल्दी से जल्दी पहुंच सके। कुछ ही सेकंड के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक ब्लरी सी लाइट होती है जो कि पूरी की पूरी पैलेस को घेर लेती है। एक सिल्ट आउट अपीयर होता है, उसके फेस के ऊपर मास्क था और उसको काफ़ी ज़्यादा स्किनी था, ये और कोई नहीं हैवी एरो ही था। जो हैवी एरो होता है वो इमीडिएटली लो फैंग को बो करता है और इसी के बाद जो लो फैंग होता है वो भी स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखने लग जाता है। गाइस एक्चुअली ये जो लोग थे ये दोनों स्टार टावर के अंदर थे और क्योंकि ये जो स्टार टावर है वो लियो फेंग को ऑलरेडी अपना ओनर रिकॉग्नाइज कर चुका है, तो इस वक्त जो लियो फेंग था वो स्टार टावर के एक वर्चुअल हॉल के अंदर था। और गाइस जो हॉल है ये ऐसी वैसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कोई भी आ जा सके, यहाँ पर स्टार टावर के कुछ स्पेसिफिक लोग ही आ सकते हैं, जैसे कि लियो फेंग। लियो फेंग इस स्टार टावर का ओनर था इसलिए वो इस स्टार टावर के अंदर आ सकता था, और क्योंकि हैवी एरो को उसने अलाउ किया था इसलिए हैवी एरो भी स्टार टावर के अंदर आ सकता था। इसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लियो फेंग हैवी एरो से काफ़ी कुछ पूछता है टियान चैन के बारे में, और जो टियान चैन के बारे में जो हैवी एरो सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, जिसके के बाद वो टियान चैन की स्टोरी बताना स्टार्ट करता है कि पिछले बार लिटरली वो भी उसके ट्रैप के अंदर फंस गया था और उसने लिटरली सोचा नहीं था कभी भी कि जो टियान चैन है वो ऐसा कुछ कर सकता है। और शायद से अगर लियो फेंग ने उसके साथ वर्चुअली कम्युनिकेट करते हुए अगर हैवी एरो को कभी भी उसके बारे में चौंकना नहीं किया होता तो शायद से वो कभी भी नहीं जान पाता कि जो टियान चैन है वही लियो फेंग के मौत के पीछे की वजह है। लेकिन इसी के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जब हैवी एरो जैसे तैसे करके क्यों वो एम्परर को बता देता है, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो डीमन कैंप के लोग हैं वो एक्चुअली क्यों वो एम्परर से डील करने लग जाते हैं और उसको मार देते हैं। और वही जो टियान चैन था वो इस वक्त हैवी एरो के पीछे भाग रहा था, लेकिन जो हैवी एरो था वो जैसे तैसे करके वहाँ से मौत के मुँह से बचते हुए बाहर आ जाता है। लियो फेंग इन सारी चीज़ों को सुनते हुए हाँ के अंदर मुंडी हिलाता है, आफ्टरऑल ये जो पर्सन था टियान चैन ये उसके वांटेड लिस्ट के अंदर था और इसको मारने के बारे में इस वक्त लियो फेंग सबसे ज़्यादा सोच रहा था। तभी जो टियान चैन होता है वो स्टार टावर को ऑर्डर देता है कि इस स्टार टावर के अंदर जितने भी ह्यूमन अनडाइंग्स हैं उन सब लोगों के बारे में रिसर्च करो। तभी जो स्टार टावर होता है वो आपस में रिवॉल्व होने लग जाते हैं, काफ़ी सारे स्टार्स आपस में कनेक्ट होते हुए सामने एक स्क्रीन बनाते हैं और इस स्क्रीन के अंदर फाइनली काफ़ी सारे वॉरियर्स हम लोग को देखने के लिए मिलता है। और इसके साथ कुल मिला के वहाँ पर 359 ह्यूमन अनडाइंग वॉरियर्स आ चुके थे और ये सारे इस वक्त इसी स्टार टावर के अंदर थे। जिसके बाद जो लियो फेंग होता है वो स्टार टावर को कहता है कि इसके अंदर से तुम टियान चैन के बारे में सर्च करो। जब टू टियान चैन के बारे में सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि जो उसके अंदर से कोई भी टियान चैन नहीं है। उसके बाद जो स्टार टावर होता है वो केयरफुली एग्जामिन करता है और इसके बाद वो कहता है कि टियान चैन नाम का जो पर्सन है वो ऑलरेडी 1800 साल पहले इस स्टार टावर से निकल जा चुका है। लेकिन ऐसे लोगों को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत यह आती है कि इन लोगों के पास बाद में काफ़ी ज़्यादा पैसा वैसा खर्च करके इन लोगों को वापस से ठीक करना पड़ता है, और ये लोग जो होता है इनकी कोई भी गारंटी नहीं होती कि ये फ्यूचर के अंदर ज़िंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं और कॉमाटाइज हो जाते हैं। इसलिए जो हैवी एरो को जब उसने स्लेव बनाया था तो वो एक मिरेकल ही था और ज़रूरी नहीं कि वैसा कुछ वापस से हो सके। लेकिन इस वक्त जो लियो फेंग था वो इस स्टार टावर के अंदर था और यहाँ पे 359 वॉरियर्स थे जो कि अनडाइंग थे। जिसके बाद लियो फेंग सोचता है कि यहाँ पे वो बस दो टाइप के वॉरियर्स को ट्रिगर करेगा, एक पैनिकल लेवल के वॉरियर्स को एक हाई लेवल के वॉरियर्स को, और इन दो टाइप के वॉरियर्स को ट्रिगर करते हुए वो ढूंढेगा कि किन किन लोगों से वो पंगा ले सकता है और जिन जिन लोगों से वो आराम से पंगा ले सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो पावरफुल वॉरियर्स को चूज़ करते हुए उनको अपना स्लेव बनाएगा और वो भी डायरेक्टली फाइट करके, क्योंकि अभी जो लियो फेंग की कॉन्शियसनेस है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर जा चुकी है तो उसका सोल कंट्रोल भी एक अलग लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। और गाइस ऐसी कोई भी एरा गैरा नट्टू गैरा पर्सन अपने स्लेव्स नहीं बना सकता, सोल स्लेव्स बनाने के लिए एक सोल मास्टर का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और जो लियो फेंग की सोल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है तो अभी वो आराम से किसी भी पैनिकल एम्परर लेवल के वॉरियर को भी अपना स्लेव बना सकता था। इसलिए जो लियो फेंग होता है वो सबसे पहले सर्च करने लग जाता है कि कुछ सोल्स के बारे में, फाइनली कुछ वॉरियर्स के बारे में सर्च करने के बाद जो लियो फेंग होता है वो स्माइल करता है और उसको पता चलता है कि डीमन कैंप से सीआर रेस ब्लैक क्राउन एम्परर और इवन जो सोल मास्टर है वो भी कुछ यहाँ पे मौजूद है और वो बाकी लोगों को मार के उन लोगों को अपना स्लेव बना रहे और उनको लूट रहे हैं। इसके बाद लियो फेंग का सबसे पहला टारगेट यही लोग बन जाते हैं। जिसके बाद हम लोगों को वो दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारे जो लोग होते हैं ये एक अलग फॉरबिडन स्पेस के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं और वहीं पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बर्फ़ गिर रही होती है। वहाँ पे हम लोग कुछ ब्लरी सिल्ट आउट देखने के लिए मिल सकते थे जो कि क्रॉस लेग करके बैठे थे और ये लोग यही लोग थे जिन लोगों ने कुछ टाइम पहले कुछ एम्परर लेवल के लोगों को मार दिया था और उनको लूट लिया था। जिसके बाद ये लोग अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढ रहे थे, तभी अचानक से हम लोगों को सामने वाले साइड से कुछ लोग आते हुए दिखते हैं और ये लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं इस पर्सन को देख के। और अचानक से जैसे ही वो धुआं उठता है उनको पता चलता है कि वो जो पर्सन है वो एक सिल्वर आर्मर वाला एक क्रिएचर है और ये असल में एक इंसान है। जब वो अच्छी तरीके से देखते हैं तो उनको पता चलता है अरे ये तो ब्लड रिवर एम्परर है।
बाकी लोगों की तरह इन लोगों को भी लगा था कि जो ब्लड रिवर एम्परर है वो मारा जा चुका है, लेकिन जब इन्होंने फाइनली ब्लड रिवर एम्परर को अभी देखा था तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। लेकिन इसके बाद भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए ये लोग बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। और ये हंसते हुए बोलते कि ब्लड रिवर एम्परर फाइनली तुम हमारे सामने आ ही गए, आखिर तुम्हें किस किस कितने लोगों ने कितने सालों तक ढूंढा है, और तुम्हारा वो हैवी एरो की दर्जा, तुम्हारा वो सोल स्लेव, उसके बिना तो तुम कुत्ते हो करके, तुम्हारे अंदर इतना भी दम नहीं कि तुम किसी के सामने आ सको। तभी इसी के बाद जो लुओ फैंग होता है वो कुछ भी नहीं कहता, वो हवा के अंदर फ्लोट करते हुए ज़मीन के ऊपर आता है और उसके पीछे पीछे हैवी एरो आता है। तभी ये जो लोग होते हैं वो हैवी एरो को देखते हुए और ज़्यादा मजाक उड़ाने लग जाते हैं और बोलते हैं आ गया तुम्हारा पालतू, इसी के बाद आज मैं हम लोग तुम्हें मार देंगे और जो तुम्हारा नाम है, तुम्हारी आइडेंटिटी, सब कुछ हम लूट लेंगे। और साथ ही साथ तुम्हारे पास तो ट्रेजर टावर का इनहेरिटेंस था, देखते कि तुम्हारे पास कितना टावर है, मतलब कितना ट्रेजर है। इसके बाद ये जो ब्लैक क्रो होता है ये हंसता है और इसी के बाद अपने एक सिल्थ आउट को बुलाता है और उसको हैवी एरो के साथ डील करने के लिए बोलता है। और वो जो दूसरा पर्सन था वो लो फैंक के साथ और ये ब्लैक क्रो खुद, ये दोनों मिलकर लो फैंक के साथ डील करने वाले थे। और फाइनली इसके बाद जो लुओ फैंग होता है इन लोगों की तरफ देखता है और बोलता है इन लोगों को पता भी नहीं कि मैं कौन हूँ। इसके बाद जो लुओ फैंग होता है वो अपने हाथों को फ्लिप करता है, उसके हाथों के अंदर एक स्टार मैप आ जाता है। इस स्टार मैप को देखते हुए इसके अंदर से हम लोगों को कुछ 6 स्टार देखने के लिए मिल सकते थे जो आपस में मेल्ड होते हैं और एक दूसरे के साथ फ्लोट करते हुए लुओ फैंग के पाम के अंदर आ जाते हैं। गाइज एक्चुअली ये जो चैप्टर्स है मैंने थोड़े से शॉर्ट के अंदर एक्सप्लेन कर दी, इसलिए 30 मिनट की वीडियोस नहीं बन पाई, वरना ये वीडियो भी 30 मिनट तक खिंच जाती। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हुए और क्योंकि मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम था इसलिए मैंने इस वीडियो को जल्दी से जल्दी कवर अप कर लिया। होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुई भी उसके लिए माफ़ करना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आज इतनी ज़्यादा लेट वीडियो के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।